ये जो प्रोडक्ट है इसके बारे में काफ़ी लोगों ने मुझे बोला भी है कि इसका रिव्यू करो, लेकिन मैंने आज तक कभी भी इसको अपने चैनल पे नहीं फीचर किया है, बट आज मैं कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ वो आपको पता चलेगा। स्टे ट्यून्ड। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू द बियर्डेड छोकरा। मेरा नाम है अभिजीत भंसाली और आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं वो फोमिंग ब्रश वाले जो फेस वॉश आते हैं, एंड वो एक ही दावा करते हैं कि यू नो वो आपके स्किन को ब्राइट बना देंगे, वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से एक्सफोलिएट करेंगे, वो आपके स्किन को बहुत अच्छे से क्लीन करेंगे, जो नॉर्मल फेस वॉशेस हैं उनसे बेटर क्लीन करेंगे और आपकी जो स्किन है वो यंग दिखेगी, ब्राइट दिखेगी, अच्छी दिखेगी। बेसिकली ये क्या है ना, कुछ बिके हुए इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स, उन्होंने इस चीज़ का बहुत बड़ा हाइप बना दिया है कि यू नो ये जो फोमिंग क्लेंजिंग ब्रश वाला जो फेस वॉश आता है दैट इज़ मच बेटर फॉर यू, आपका टैन निकाल देगा, आपका ये कर देगा, वो कर देगा, और उसी के हाइप के चलते हुए ऑडियंस जो है वो पागल बन जाती है, चली जाती है पीछे पीछे ट्रेंड के और वो फेस वॉशेस खरीद लेती है। अब मेरी प्रॉब्लम क्या है इससे और मैं ये वीडियो बना क्यों रहा हूँ? देखिए, मुझे फेस वॉश से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कंपनी से भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेकिंग इट वेरी क्लियर। अंदर जो फेस वॉश है दैट माइट बी ग्रेट, ओके, फॉर ऑल आई नो इट माइट बी ग्रेट। आई हैव एन इश्यू विद दिस कॉन्सेप्ट ऑफ दिस ब्रश हैंगिंग आउटसाइड कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ योर स्किन ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, जितना मैं जानता हूँ हर इंसान मिनिमम वंस अ डे तो फेस वॉश वो यूज़ करने वाला ही है, कुछ लोग जो होते हैं वो 2 times यूज़ करते हैं, 3 times यूज़ करते हैं। Now if this is going to be your daily driver, ये आपका एक regular use face wash होने वाला है, तो आप दिन में 2 बार ये use करने वाले हो, मतलब 2 बार अपने चेहरे को घिसने वाले हो। ये actually हर इंसान के दिमाग में आना चाहिए। ये देखो, आप जो face wash use करने वाले हो वो brush जो है वो गीला होगा, ठीक है, और वो ऐसे ही bathroom के humid environment में पड़ा रहेगा। Now उसके अंदर आएंगे बैक्टीरिया, उसके अंदर फंगस उग सकता है, उसके अंदर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स उग सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट टाइम यू यूज़ इट, मोस्ट प्रॉब्ली यू आर नॉट गोइंग टू वॉश इट, और इवन इफ यू डू यू आर जस्ट वॉशिंग इट विद वाटर एंड देन यू आर अप्लाइंग दैट फेस वॉश ऑल ओवर योर फेस। वो ब्रश आपके चेहरे के कॉन्टैक्ट में आने वाला है, ओके, सो ऑल दोज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर गोइंग टू गेट ट्रांसफर्ड। नाउ सम पीपल आई नो दे से दैट वो सिलिकॉन ब्रशेस जो होते हैं उनके अंदर इतना ज़्यादा माइक्रोबियल बिल्डअप नहीं होता है, पॉसिबल है जो नाइलॉन ब्रशेस या जो प्लास्टिक के सॉफ्ट ब्रशेस होते हैं उनके अंदर ज़्यादा बिल्डअप होता है, पॉसिबल है, ये सारी चीज़ें पॉसिबल है, लेकिन हाइजीन इज अ वेरी बिग इशू ओवर हियर। नंबर 2 जो मेरा प्रॉब्लम है वो ये है कि आप अगर दिन में 2 बार या 1 बार, डेली भी 1 बार भी अगर इसको यूज़ करते हो, यू आर बेसिकली फिजिकली एक्सफोलिएटिंग योर स्किन एवरी सिंगल डे, विच मीन्स आप ऊपर की जो लेयर है वो रोज हटा रहे हो, यू आर फोर्सिंग योर स्किन टू रीजनरेट एट अ मच क्विकर रेट, बिकॉज ऑफ दैट योर स्किन इज गोइंग टू एज मच 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 क्विकर। तो आपको जो लग रहा है कि you know, बहुत ब्राइट हो रही है मेरी स्किन, बहुत क्लीन हो रही है मेरी स्किन, बहुत you know, डेड स्किन निकल रही है, ब्लैक हेड्स निकल रहे हैं, मेरी जो स्किन है वो डी टैन हो रही है, you're paying a price for it, and ये आपको immediately नहीं समझ में आएगा, and that is what companies rule on. आपको immediately ये सारी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, over the months, over the years आपको समझ में आएंगी कि ये जो आप कर रहे थे it's actually damaging your skin. अब यहाँ पे और एक प्रॉब्लम मेरी यहाँ पे आ जाती है कि जो लोग को एक्टिव पिंपल्स है, एक्ने हैं, या फिर सेंसिटिव स्किन है, ठीक है, थोड़ा सा भी रब करने से उनकी स्किन में you know, इरिटेशन हो जाती है, रेडनेस हो जाती है, या फिर यू हैव पस्ट्यूल्स, दिस इज गोइंग टू बी प्रोबेबली द वर्स्ट थिंग दैट यू कैन यूज दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट। सपोज मान लो पिंपल है, एक्ने है, आप उसको और एग्रेवेट कर रहे हो, अगर आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार यूज करते हो, ठीक है, इट्स अप टू यू, यू कैन यूज इट, हाइजीन स्टैंडर्ड्स मेंटेन रखिए, क्लीन रखिए, आई एम ओके विद इट, आई हैव नो इश्यूज विद एनी ब्रांड, नो इश्यूज, आप जाओ खरीदो, आपकी स्किन है, मेरा काम था आपको बस अवेयर बनाना कि ये, अगर आप अच्छे डर्मेटोलॉजिस्ट को भी पूछोगे ना वो भी ये रेकमेंड नहीं करेंगे, बिकॉज दे नो दैट फिजिकल एक्सफोलिएशन ऑन अ डेली बेसिस एक्चुअली कॉजेज डैमेज टू योर स्किन सेल्स, एक्चुअली एजेस यू क्विकर।
ठीक है, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा कुछ बोलना नहीं है। आई होप यू गाइस लाइक दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूले। बहुत ज़्यादा अगर मेरा काम आपको पसंद आ गया तो नीचे लिंक मैं छोड़ रहा हूँ, वहाँ से आप चैनल के टूवर्ड्स कॉन्ट्रीब्यूशन भी कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ऐसे प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है और अगर आपको खरीदने हैं, मैं उनके लिंक्स भी नीचे छोड़ रहा हूँ। ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है। विद दैट सेड, जब तक हम लोग अगली बार मिले, बी ऑसम, कीप योर बियर्ड ऑसम, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय। संभालो अपनी स्किन यार, ट्रेंड्स में मत पड़ो। बाय।